लेकिन अभी इस ब्रेक में यही बातचीत कर रहे थे। 14वां ओवर आखिर 6 ओवर बचे थे, उसी अंदाज में उसी समय विकेट गवाते हुए जैसे कल मुंबई इंडियंस ने सौरभ तिवारी हार्दिक पांड्या दोनों की विकेट 15वें ओवर में गवाई थी। लेकिन जैसे आप देखिए जिस अंदाज में गेंदों को दूर रखा, जो टिमटिमाती हुई लाल गेंदें जो एकदम बाहर है वहां मजबूर किया छटपटाने पे ऋषभ पंत के आंख से बाहर गेंद। ओए कैच 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 वाओ। अरे अभी 5वां विकेट कितना कमाल है। अरे सिर्फ अय्यर जो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है वो पवेलियन की तरफ जाते हुए बहुत अच्छी पारी खेलते थे, पर अपना खराब शॉट खेल के अपना 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 विकेट गंवाते हुए मुंबई शमी सर ने आधे अपना जादू चला दिया है। सुरेश अय्यर 39 स्कोर बनाते हुए सुरेश अय्यर बहुत खराब शॉट खेल के आउट हुए। सुरेश अय्यर आपको पता नहीं है कि आईपीएल में किसकी तरफ खेलना, वो दिल्ली कैपिटल के कैप्टन है। अक्षर पटेल आते हुए अक्षर नो बॉल, कोई बात नहीं, मोहम्मद शमी वन ने नो बॉल डाल दिया। इसको बोलते हैं हमारे ऊपर एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। फ्री हिट और नो बॉल ला लिया मुंबई शमी फल ने, और ये बीच में ही रुक गया कोई बात नहीं। नब्बे पे 5 शमी को लेके आए और ब्रेक को मिला बड़ा और अच्छी बाउंसर थी नए बल्लेबाज के लिए। कप्तान भी बढ़िया, यहाँ पर आखिरी ओवर डाल गए शमी, ऋषभ पंत आउट हो गए, श्रेयस अय्यर आउट हो गए, ये बिल्कुल अक्षर पटेल पहले पंजाब की तरफ से खेलते, इस बार वो दिल्ली की तरफ से खेल रहे हैं। अभी तक दबाव बना के रखा हुआ 91 हो गया, फिर 91 हुआ 92 नहीं 91 हुआ 50 पे। और ये ड्रग का था प्रयास लगी नहीं अगर आप एक अच्छी लाइन और लाइन डाल सकते हैं
ये मेरे को फेवरेट नाइन डे वीडियो आपके फाइनल वर्ल्ड ने जीत के नहीं। फिर आज के मैच की बात करते हैं। आज आज का मैच क्या भयंकर मैच हुआ दोस्तों, क्या भयंकर मैच हुआ है। मजा आ गया कि किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, क्या भयानक मैच हुआ, क्या भयानक मैच हुआ। क्योंकि देखिए एक समय पर लग रहा था कि दिल्ली तो 140 का भी नहीं पार कर पाई, पर उन्होंने 140 पर उन्होंने पार कितना किया, 158 उन्होंने पार इतना किया, ठीक है ना दोस्तों। उन्होंने पर इतना किया पर उन्होंने पार करके किंग्स इलेवन पंजाब ने 64 पे बना लिया, 54 पे अपने 4 विकेट गिरा दिए थे। पर किंग्स इलेवन पंजाब ने भी हार नहीं मानी। एक आदमी था उसका मेरे को नाम नहीं पता, उसका नाम क्या था मेरे दोस्तों, पर उस बंदे ने बहुत अच्छी बैटिंग करी किंग्स इलेवन पंजाब के लिए। सिर्फ एक रन से मैच हारी है। अगर वो एक रन बना लेती किंग्स इलेवन पंजाब, अपना पहला मैच उसने जीत लिया था, पर एक रन वो नहीं बना पाए, इस कारणवश वो मैच हार चुके हैं। पर क्या भयंकर मैच हुआ। उसके बाद टाई हो गया दोनों में, उसके बाद सुपर ओवर हुआ और किंग्स इलेवन पंजाब ने दो रन बनाए पूरे सुपर ओवर में। रबाडा जो है वो दिल्ली की तरफ से खेलते हैं, दिल्ली की तरफ से उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब के दोनों बल्लेबाजों को आउट कर दिया 0 में। और जो शुरुआत के जो बल्लेबाज थे उन्होंने एक एक रन बना के 2 रन का टारगेट उनको दिया था, और जवाब में उन्होंने 3 रन बना के मैच जीत लिया। पर क्या मैच, अंत तक लास्ट के तक अगर आप मैच ले चलो तो मैच बराबरी का होगा। किंग्स इलेवन पंजाब को कोई कम मत आंकना, क्योंकि वो अपना पहला मैच कभी जीत रहे थे कभी हार रहे थे, पर भगवान को उनकी हार मंजूर थी तो हार हुई है। पर अगले मैच में किंग्स इलेवन पंजाब बहुत अच्छी तरीके से जीतने वाली है, मेरे को भी विश्वास है। और बात कर लेते हैं कल के मैच की एडवांस में। कल मेरे को लगता है कि सनराइजर है वो नहीं होगा, क्योंकि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर मैच जीतने जाएगी। पक्का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि कल का मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जीत ले जाएगा। हमारे दिल्ली का लड़का विराट कोहली मैच जीत लेके जाएगा, ठीक है ना। वैसे मैं उनको सपोर्ट नहीं करता, मैं आपको आपको अपनी प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, पहले सही हो जाएगी फीडबैक। हाँ फीडबैक, थैंक यू पापा, पापा बोले थे फीडबैक। ओके तो पापा ने बोला फीडबैक, मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ। ऊपर से आगे पहचान कोई याद नहीं, पापा आ गया कोई याद नहीं, तो अपना फीडबैक मैं दे रहा हूँ आपको, तो ठीक है ना। अपना फीडबैक देते हुए मैं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं, पर कल के मैच के नजरिए से देखें तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर इस पर अपना पहला मैच जो कल होने वाला है सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ वो जीतने वाली है, वो पक्का जीतने वाली है। क्योंकि मेरे को फीलिंग है,
फील्डिंग आ रही थी कि कांटे का मुकाबला हो गया दिल्ली और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच, वो हुआ और एंड में मेरे को फील आया कि दिल्ली जीतने वाली है और कोई नहीं। जैसे वो चौका भी लग गया ना पॉइंट बॉल में, एक वो भी नहीं हुआ, पर एक 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 रन से मैच हारना आईपीएल का यही तो मजा होता है भाई, कभी एंड तक नहीं पता लगता, एंड तक भी। आईपीएल इज द बेस्ट क्रिकेट लीग इन द वर्ल्ड, जहाँ पे भी क्रिकेट खेली जाती है उससे सबसे अच्छी जो जो क्रिकेट लीग है वो आईपीएल है भाई दोस्तों। और जाकर वीडियो देखो।